हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। तो क्या कभी भी आपको किसी चीज़ को लेकर के गट फीलिंग आई है, या फिर आपने कभी अपने स्टमक में बटरफ्लाइज फील किए हैं? तो ये फीलिंग आपको आपके स्टमक में या फिर आपके गट में क्यों ओरिजिनेट होती है, क्या कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि नर्वस तो आप अपने ब्रेन से होते हो, तो बटरफ्लाइज आपको आपके स्टमक में क्यों फील होती है? या फिर सोचता तो आपका ब्रेन है, तो आप इसे गट फीलिंग क्यों बोलते हैं? ये सारी चीज़ें ये सजेस्ट करता है कि आपका ब्रेन और आपका गट कनेक्टेड होता है, और ये जो कनेक्शन है इसे हम बोलते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। और रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि आपका ब्रेन आपके गट के हेल्थ को कंट्रोल करता है, और कभी कभी आपका गट आपके ब्रेन के हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, हमारे गट और ब्रेन के कनेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो गट ब्रेन कनेक्शन होता है ये कैसे वर्क करता है। गट ब्रेन एक्सेस हम उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को बोलते हैं जो हमारे गट और हमारे ब्रेन के बीच में होता है। एंड ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे से फिजिकली वाया नर्व्स और बायोकेमिकली मतलब केमिकल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल कनेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा वेगस नर्व और हमारा नर्वस सिस्टम कैसे कनेक्टेड होता है गट का। तो वेगस नर्व जो होता है ये वन ऑफ द बिगेस्ट नर्व होता है जो कि हमारे ब्रेन और गट से कनेक्टेड होता है। हमारे ब्रेन में और हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये हमारे बॉडी को डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें एक्ट कैसे करना है या उन्हें बिहेव कैसे करना है। एंड हमारे ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और इंटरेस्टिंगली अराउंड 500 मिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे गट से हमारे ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं थ्रू द नर्वस सिस्टम। और वेगस नर्व जो होता है ये उन्हीं में से एक है जैसे मैंने आपको बताया। एंड वेगस नर्व जो कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को और आपके गट को, उसका जो काम होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब ब्रेन से गट में भी जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन और गट से आपके ब्रेन में भी इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो इसको लेकर के जो स्टडीज़ हुई हैं, लाइक एनिमल स्टडीज़ जो हुई हैं, उनमें ये बताया गया है कि अगर हम एनिमल बॉडी में स्ट्रेस डालते हैं तो उसकी वजह से जो वेगस नर्व का सिग्नल होता है गट के पास जाने का वो रुक जाता है। इस वजह से गट में प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक जीआई प्रॉब्लम आपके बॉडी में आ जाती है, ये स्टडीज़ में देखा गया है। दूसरा स्टडी ह्यूमंस में किया गया है, उसमें ये देखा गया है कि अगर किसी ह्यूमन में कुछ जीआई प्रॉब्लम है, लाइक इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ हो गया या फिर उसे क्रोन्स डिजीज़ है, तो उसमें जो वेगल टोन होता है, वेगस नर्व का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज़ देखा गया है उन पर्सन में। एंड एक और स्टडी की गई है माइस के ऊपर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि अगर हम माइस में प्रोबायोटिक्स देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ब्लड में उसकी मात्रा कम दिखाई गई है। तो ये सारे स्टडीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे स्टडीज़ ये सजेस्ट करता है कि हमारा गट और हमारा ब्रेन एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड है थ्रू द गट ब्रेन एक्सेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारा ब्रेन और हमारा गट फिजिकली एज वेल एज बायोकेमिकली, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये बायोकेमिकल्स ही होते हैं जो हमारे गट और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, और वो हमारे फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सेरोटोनिन के बारे में जानते होंगे, सेरोटोनिन वो हार्मोन होता है जो हमारे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता है, प्लस हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे भी होते हैं जो हमारे गट सेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और प्लस कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे गट में बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, जो हमारे फियर, एंजाइटी, हैप्पीनेस इन सबको कंट्रोल करता है। और ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी केमिकल्स निकालते हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करे। प्लस हमारा जो गट ब्रेन एक्सेस होता है वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी से भी कनेक्टेड होता है। इनका रोल हमारे इम्यून सिस्टम में या फिर इन्फ्लेमेशन में इस तरह से होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया ये कंट्रोल करता है कि जो हमने खाया उसमें से क्या हमारे बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होगा और क्या हमारे बॉडी में एक्सक्रीट होगा। कुछ ऐसा चीज़ अगर हम लेते हैं जिससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देर तक रहे, या फिर ये जो इम्यून सिस्टम का जो डोर है ये ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे ब्रेन में डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में आ सकती है। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की, प्रीबायोटिक्स की,
और हमारे ये गट ब्रेन एक्सेस को कैसे अफेक्ट करता है। प्रोबायोटिक्स बेसिकली होते क्या है? प्रोबायोटिक्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम खाते हैं, जैसे कि कुछ हमारे फूड आइटम्स में ये मिलते हैं आपको, लाइक कर्ड्स हो गया, चीज़ हो गया, किमची सलाड्स हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अगर हम खाएंगे तो हमारे गट के लिए वो अच्छा होगा। प्लस कुछ प्रोबायोटिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपको स्मॉल फॉर्म में मिलेंगे, लाइक याकूट वगैरह हो गया, वो भी प्रोबायोटिक्स ही होते हैं। दूसरी बात होती है प्रीबायोटिक्स की। प्रीबायोटिक्स एक्चुअली प्लांट बेस्ड इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करता है, वो उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। जो प्रोबायोटिक्स हमारे ब्रेन के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइकोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स का सोर्स होता है बनाना, अनियन, नट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फाइबर ऐड करती है हमारे खाने में, जो हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करता है और उनके ग्रोथ को बढ़ाता है। और स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स अगर हम अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स जो कि हमारे गट ब्रेन एक्सेस के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में भी पहले से होता है, लाइक हमारे ब्रेन में होता है, हमारे गट में होता है, बट कुछ फूड ऐसे होते हैं जो उसमें रिच होते हैं, लाइक आलमंड्स हो गया, ऑयली फिश हो गया, ये हमारे ब्रेन हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाता है। नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेड फूड लाइक कर्ड, चीज़, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो ये हमारे ब्रेन हेल्थ की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। नेक्स्ट इज़ हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड्स वो हो गए लाइक नट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, ये फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि प्लांट बेस्ड फाइबर्स पहले से होते हैं, ये प्रीबायोटिक्स का काम करेंगे हमारे डाइट में अगर हम इन्हें इंक्लूड करते हैं तो, और ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन में एक्टिविटी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पॉलीफेनॉल रिच फूड्स। पॉलीफेनॉल रिच फूड्स लाइक कॉफ़ी हो गया, कोकोआ हो गया, ग्रीन टी, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ों में पॉलीफेनॉल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। पॉलीफेनॉल्स आर बेसिकली प्लांट फाइबर्स। अब जैसे कि मैंने कहा, दे विल एक्ट एज प्रीबायोटिक्स, क्योंकि प्लांट बेस्ड फाइबर्स जो भी होते हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इससे अगर हमारा गट बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंक्रीज़ करेगा और उनके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट होता है ट्रिप्टोफैन रिच फूड। ट्रिप्टोफैन, जैसे कि हम जानते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको भी पता होगा, ट्रिप्टोफैन आर बेसिकली अमीनो एसिड्स जो कि सेरोटोनिन बनाता है, विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब सेरोटोनिन क्योंकि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये फूड अगर हम ट्रिप्टोफैन रिच फूड लेते हैं तो इससे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और उसका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। इन फूड्स में लाइक आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में एग या फिर चीज़, इन सब में ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन एम था, तो बॉटम लाइन इस सारे वीडियो का क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हम गट ब्रेन एक्सेस को समझ रहे थे, उसके हेल्थ को समझ रहे थे, तो हमने ये देखा जो हमारा फूड इंटेक होता है उस हिसाब से हमारा गट बैक्टीरिया एक्ट करता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा और उस हिसाब से वो केमिकल रिलीज़ करता है। तो अगर हम अपने डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन ले आएँ और हम अपने इस तरह से गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है अपने ब्रेन हेल्थ को इंक्रीज़ करने का, बाय मॉडिफाइंग योर डाइट और मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल एंड देयर बाय मॉडिफाइंग द गट बैक्टीरिया दैट इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।